यह वीडियो कुछ संतों द्वारा बनाई गई है, इसमें दिखाए गए स्टंट्स बिल्कुल ही बकवास है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन्हें घर पर दोहराएंगे नहीं। धन्यवाद। मैं हस्तराज और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में जीना बस करके ऐसे निकला जा सकता है। मैं कुछ ऐसे जानलेवा जगहों का मुश्किल चैलेंजों का सामना करूंगा जहां आपको सही स्वाइपिंग किल का पता ना हो तो आप एक दिन भी यहां पर टिक नहीं सकते। इस बार मैं हिमाचल प्रदेश के जूनी खाट में जा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे पहाड़ों में खतरनाक जगहों का सामना कैसे करूंगा और यहाँ की उबड़ खाबड़ वाले रास्तों का सामना भी करूंगा। यहाँ जो कुछ भी मिले मैं उसको जल्दी जल्दी खाऊंगा ताकि मुझे उसके स्वाद का अंदाजा ना हो सके। मेरे साथ दो कैमरामैन रहेंगे जिन्होंने भात खाए गांजुआ भांडे नहीं गए मांजुआ। आपको पैदा इस टाइम मेरा जहाज डेना बानर डाला उपरी मुड़ा रहा है तो चारों साइड मुझे बानर डाला खुशबू आ रही है और पारी धारा धारा क्षेत्री क्षेत्री धारिया सूझती लग रही और ऊपर थाले लो देखना था माठा पानी और पत्थर दाने दाने लग रहे सूझते समझ नहीं चाहिए छाल पाऊँ किसी बाणी से पानी। और मेरा हेलीकॉप्टर ड्राइवर बोल दो पार है एक पार्किंग करने जगह पर मैं बात जाना नहीं चाहता पर मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे कैसे कूदते हैं। तो मेरे पास एक पैराशूट की झोली रहेगी जब मैं यहाँ से कूदूंगा तो मैं झोली खोलूंगा तो मैं नीचे सही सलामत पहुँच जाऊंगा। ऐसे जहाजों से नीचे कूदना तो बहुत मुश्किल कार्य होता है तो चलो चलते हैं। जय हो देवा रक्षक रे। वाह के डॉक्कने सो पैराशूट झोली बोली ओके दे गांठ पकड़े चलो मेरी कड़ी फूट रही थी सो पैराशूट झोली भूली ऊपर जहाज है और जो तक लगे सो जानते ऊपर पूरी भाड़ा बड़े। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पैराशूट की झोली के बिना आप कैसे उतर सकते हैं। अगर आप ऐसे पेड़ पर लटके होंगे तो जोर जोर से आवाज लगाइए कोई आपको बचा भी सकता है। थोड़ा फसुआ रखा सर तो ऐसे खतरनाक रास्तों में ऐसे भी मुसीबत आ सकती है। यहाँ की हाइट लगभग बहुत ही खासी उठी होगी जिससे मेरी टांगड़ी बाजू बच चुकी है तो चलो झाकड़ा पेंडे कांडे सब किस लग रहे सुबह पैरे तो बड़ी सावधानी पड़ता जाना रहा। ओसो बूटी ये तक खाई खाते किस लगे जोश वार तुम पता है तक खाई तेड़ी क्रांति आंदा था बोल ही नहीं सकते थोड़ी जी खानी और थोड़ी सी घर को ले जाऊंगा मैं बढ़िया पिपली मिठे पीने से तड़का लगाऊंगा और बढ़िया पाछले कुकर भीतर स्टीम लगाऊंगा ऐसी वारा डाल सब अंको ना और आदमी जाओ मोर ये तक खाई के और थोपरे ताड़ू लगी आग इसको खाने से डिहाइड्रेशन भी हो सकता था। पिछले साल ऐसी गलत बूटी खाने से दो लोगों को ऑक्सीजन जेट की कमी पड़ी थी। ऐसे खतरनाक रास्तों में देख संभल कर चलना बहुत जरूरी होता है नहीं तो आपको ठूट भी लग सकता है। ओ मेरे कुमाई ये तो डायनासोर काट को है। oh, no. लगता है यहाँ कोई शिकाका के फरार हो गया है।
अगर ऐसा हड़को आपको पौड़ में मिले तो समझ लीजिए यहाँ पर कोई डेंजर रक्षण हो सकती है, इसलिए हमें लुक लुक कर भागना चाहिए। ऐसे खतरनाक पौड़ों में यहाँ आसपास शर्मिंदा भी हो सकते हैं, वो एक आंख बंद करके भी आपको देख सकते हैं, तो चलो जल्दी हम यहाँ से चलते हैं। पौड़ में सबसे जरूरी हंडना होता है, और हंडना नहीं आता है तो आपको ठोड़ भी लग सकता है, तो ऐसे ठोड़ में आपकी टूटी मुटी भी फंस सकती है, इसलिए संभल के चले। ये देखो बिंडा मिल गया, इस बिंडे का आप इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक जगह में कर सकते हैं। अगर ऐसा बिंडा आपको मिले तो आप इसको घर ले जाइए और दुकान में बिंडा लगा सकते हैं। यहाँ से नीचे लगभग 12 तलाट के बराबर ऊंचा होगा। के लचीले स्वास से मुझे इस मानु के ढीठपन का एहसास हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी था अच्छा था, तो चलते हम आगे, हमें पाली साथ जाना रहा। चलो ऐसे शिला पड़ोते में चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर ठूट लग जाए तो आपके हड़के भी चूट सकते हैं। अगर आपको दिशा का पता नहीं है तो मेरे पास एक जुगाड़ है, सूरज टाइम इस साइड को है, यानी कि बागरी साइड से आ रही है। सूर्य की जिस साइड सूर्य होता है उस साइड से बागराती है, तो हमें यकीन है कि नॉर्थ है थिया, तो नॉर्थ के भीड़ वाली साइड में दक्षिण होता है, तो हम भीड़ वाली साइड को जाएंगे। ऐसी जगह में
छोटी छोटी आटे में इकट्ठे करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे को कुछ सूझा है, तो ये देखो मुझे ये जेवड़ा मिला है। ऐसे जेवड़ों का जंगलों में बहुत अच्छी तरीके से काम होता है। तो ये तो मैंने सोचा ये कुछ जेवड़ा था, पर ये तो मिसलैंडो निकला। बच गया आज, आप ऐसे मिसलैंडो से दूर रहे। चलो चलते हैं। ऐसे खतरनाक भेड़ो बड़ों में पाजरा डाल मिलना बहुत ही आसान होता है। इस डाल के शोकटे से आग आसानी से भगती है। तो मैं अपना चाकू निकालता हूँ। लगता है मैं अपना छुरा घर पे भूल गया हूँ, और शायद कैमरामैन के पास भी कोई चाकू होगा। तो कोई गल नहीं, चाकू नहीं है तो हम इस पत्थर की तीखी धार करेंगे, तो इसे आसानी से ये छोकड़ा निकलेगा। चलो इसी से भी काम चल पड़ेगा। ऐसे छिलकों से आग जल्दी भगती है, तो मैंने शाम के लिए कुछ काट दी है। तो चलो चलते हैं। तो चलते रहने से मानु सुस्त होता है। पानी नहीं है, मेरी बोतल खाली है। अब मेरे को पानी की टेंशन हो रही है। लगता है पानी ऐसे पेड़ों पौधों में भी हो सकता है। ऐसे बौनों में खाना पानी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ एक मुर्गो सूझ रहा, अगर आपको नहीं सूझ रहा तो आपकी किस्मत वाले है। इसको पकने का एक डेंजर तरीका है। अगर ये इधर को जाए तो आप उधर को जाना, तो इस तरह से आपको ये आसानी से मिलेगा। तो इसका इंतजार करिए, जब ये भागने की कोशिश में होगा तो हम भी छलांग मार गए। मैंने मुर्गे को खत्म कर दिया। अब खाने का इंतजाम तो हो गया, अब मुंडी छुपाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो चलते हैं। अगर आपके पास कुछ टाइम देखने के लिए कुछ नहीं है तो आप मेरे से सीखिए, मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना टाइम हुआ है। पहले आप ऐसा कुछ नहीं होता था कि टाइम कैसे देखते थे, तो मैं दिखाऊंगा आपको कि एड छड़े देखा टाइम। एक डंडा लो, डंडे से आप एक बड़ो अंडा बनाओ। अंडे बनाने के बाद आप उसके चार बांडे कीजिए, तो बीच में उस डंडे को ठोसिए। और इसको देखते रहिए, जब तक टू नहीं होती तब तक वह इसको आप कैसे भी करके देखते रहिए। चाहे खड़े उठा, चाहे साइड ठोका, चाहे किच भी करा, जब तक टू नहीं होनी तब तक देखते रहिए। लगता है अब कुछ टू बच चुकी है, तो इसका मतलब शाम के 6 बजे है। तो हमें अब मुंडी छुपाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चलते हैं। मैं पता नहीं होता थी मां नाना थी अड़े बोना पानी कोटे पो मेड़े झाकड़े कांडे पूरी आनना। चल बची को आज बाल बाल बचू पानी कोटे पो इतने कष्ट करना रहा। तो यहां से कुछ ठीक नहीं था, तो
यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा हो गई। वो थ्यू सका पानी आ रहा है, छिड़े पलोते है थ्यू सका पानी। तो मुझे लगता है अब नीचे जाना चाहिए, यहाँ से नीचे लगभग खासा दूर होगा, तो हम जाएंगे नीचे। तो यहाँ से नीचे उतने का एक आसान तरीका, उल्टी साइड को फिरिए और नीचे की तरफ देखिए और देखते रहिए कि कितना डग है, और हम जाएंगे यहाँ से नीचे को देखते देखते। कैमरा देखो पानी वाला वाइट, तो हमने कैमरा भी पकड़ लिया है, तो चलते नीचे। ओ मेरे को मायू, चलो बाल बाल बच गया। मेरे को लगा था कि मेरा हड़का छूटा है, पर ठीक सही सलामत है। तो मेरी किस्मत खराब थी, यहाँ पर सूखा भूसा है, यहाँ पर पानी नहीं है। तो चलो चलते ऊपर। मुझे पूरा भरोसा नहीं था कि मेरा कैमरा ऐसे सीमी लोची होंगे। तो यहाँ से ऊपर चढ़ना, बतड़न लोड़ी बहू। मुझे पहले डर लगा था कि मैं जब यहाँ से गिरा तो मेरी हड़की नहीं टूटी, इस चीज का मुझे बहुत ही वो टापरा अल्टीमेट होना चाहिए। यहाँ पर कुछ एड़ा जड़ा टापरा बनाना, बाबे मुंडी तक पानी पड़ी वो गलत रहने गलो ही बड़ी भारी। एड़े टापरे बनाने कटे हमें शानी की जरूरत होती है, वो शानी हमें एड़े नहरा बनों में मिलेगी। एड़ा डाल था लोड़ी थी माँ, अब मैं चढ़ता हूं ऐसे डाल में। लगता है डाल कच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं मार सकता। आपका काम बन जाएगा अगर आपको टापरे बनाने के लिए कुछ छानी होगी। ये धरण में टूकी है रहा और गलत धरण है, खत्म लड़ में करिए। टापरा बनाने के लिए पहले कुछ एक तरकीब होती है, जो कि हम पहले यहाँ पर फेटी छानी लगाएंगे और उसके बाद खड़ी छानी लगाएंगे और ऊपर से घाट ठोकेंगे। तो बड़ों में से टापरे बनाना बहुत ही कठिन होता है, पर हमने पूरे तरीके से इसको बढ़ा दिया है। तो ये रहा हमारा टपरा जो तैयार हो गया। तो मुंडी छुपाने के लिए तो बाबे बहुत ही खतरनाक जगह हो। मैं अपनी झोली यहाँ पर रखता हूँ और चेक करता हूँ कि ये टपरा कैसा बना है। वरा बाबे टपरा ने बना की थी न दाई गई पहले बुढ़े थी, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि पिंड रगड़े से आग कैसे भगती है, तो देखते रहिए। आग पानी बखानी, आग बखाने के लिए हम करते हैं अपनी रगड़ाई शुरू। तो चलते हैं, ऐसे लकड़े बौन में बहुत आसानी से मिलते हैं। अगर आप जंगल में आग नहीं बखाओगे तो यहाँ पर कई से मसलेंडे जानवर भी आ सकते हैं, जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आग बखाने के लिए हम बहुत सारी खानियां इकट्ठे करेंगे और उनको इकट्ठा करके कहीं यहाँ पर रखेंगे। चलो बैग लाते हैं, तो करते हैं क्रियाकलाप शुरू। ये थिरकू बैग लोड़ा लोड़ा जल्दी जल्दी थी। अब दो डंडे तो मेरे को मिल गए हैं,
इनको क्या करना है, पहले इसको इकट्ठा करो घास को, और जो पाजरे डाले रहे छोकड़ा लांदर ये तो ठोके तो ऊपर इसे आग जल्दी भगती है। अब रगने की प्रक्रिया ऐसी है कि इसको टाइट पकड़ो, लगातार रगड़ो, रगड़ते रहो। अब आग तो भग गई है, अब हमें जल्दी जल्दी से शिखा को पकड़ना है। शिखा इतनी खतरनाक चीज है, स्वाद इसका कुछ अजब है। तो हम इस डंडे में ऐसे ठोसेंगे शिखा को और इसको ऐसे खड़े रखेंगे जिसके कारण ये अच्छे से पक जाएगी। यहाँ पर डालेंगे इसको ऐसे, ऐसे डालने से इसे अंदर से भी पकेगी। तो इसको यहाँ पर हम डालेंगे, तो ये छोटा थोड़ा लंबा हो गया है, इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे। अब इसको यहाँ पर डालेंगे, ये पकड़ रहना चाहिए, अगर ये ढूल जाएगा तो आपकी शिका खराबी हो सकती है। तो इसको रखने के लिए हम कुछ इसके नीचे ठेह लगाएंगे, जिसके लिए हमें ये लकड़ी की जरूरत थी। हाँ चलो ये ठीक है। जब शिखा लकड़ी पकती और नहरा होने को भी है तो मुंह अलग लाड़ा लगती और शिखा लकड़ी चढ़ती, पानी पानी लग रहा मुंह है। तो हम इस शिखा को खाएंगे फिर बाद में जब ये पूरी तरह से पक जाएगी, और हमारे पास कुछ आइटमें रहेगी जिनका नाम हम लेना चाहते हैं। और जैसे कि ये हमें टमाटर लाए हैं और पिपली लाना हम भूल गए हैं, और शिखा पक चुकी है। इसको हम बहुत ही खतरनाक तरीके से खाएंगे। वो खूब टेढ़ी है, एक रुटी पहले फूटी तेरी में फूटी, शुद्ध नेता। हेलो सु, क्या खानी था? खानी? चल देर। कैमरा मैन के लिए मैंने एक 10 रुपए का बिस्कुट आनू रहा, रुकान दे हुए भी। कैमरा मैन, अल्ले। और मैं बिला का पुते तेरे भूख रहे हो, मैंने तुम्हारे कुत्ते खांदा। ये नीटा आइया हमारे यार, किसे वो आया, किसे दोस्त ही है ना, पहले खतरनाक फिर बता हाँ नंद लगी हो कट। सोना भी पड़ा, एब बैग घर भी जान पा फिरी घर याद लग रही आंदी झोली रखती थी पीछे शरण कटे ठोका सही। इसे सोने एटा पांका उरे नाम त्रिकड़ा लगा पात्र चुप दे लड़ लगी
चलो कोशिश करते हैं सोने की। ठोकुमा सही हो, सुबह मिलते हैं। रात के 2 बजने को है, यहाँ पर कुछ डेंजर आवाज आ रही है, पता नहीं किसकी आवाज होगी, मुझे शायद देखना पड़ेगा, मुझे डर लगा है बहुत ज्यादा। तो थोड़ी देर पहले भी ऐसी आवाज आई थी तो मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, अब कुछ ज्यादा लग रही होंगी, चलो देख लो बारे है कि जेड़ो जानवर एड़ो बड़ो भारी रहो, इतनी साटक लग रही आवाज आंदी, चलो चलते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे जानवर है। कल रात बड़ी खतरनाक थी गाड़ी, मैंने सोचा 4 टंगड़ी वाला सेलमेंडो था पर ये तो 2 टंगड़ी वाला था। चलो रात गई बात गई, तो हम अगर फोकस रखते हैं पानी की दौड़, 2 दिन से हमने पानी नहीं पिया है, तो कोई किसी लग रहा पानी, तू धड़ी जो शौक रह रहे पानी पानी, तू तेरे बैग में 100% गड़बड़ी है, वो पानी ये कैसे बोतल, एक और कच्ची बोतल देखा तेरे बैग का गुड़गो पूरे चक्कर, एक और है, एक से लीटर माइक और के और रेड डूब ठूर दो सोगी, तेरे दादू रखे पाने लाइट कैसे बंदे यार, और भी तेरे बैग में कुछ गड़बड़ी है, एक से ये वो तुम सिलेंडर हो, वो आज कह तू है खाना, कल पुण्य देने भी खाना, कल ठुकने भी लाते, अपना टाइम तक करना पड़ना बाबे, चल वाले सीटा तो ऐसे ऐसे शिमी लोची हमारे पास कैमरामैन है जो ऐसे रुष्ट हो जाते हैं, वो आ रही तो रहू जड़ो नौ लाड़ी जड़ो रुष्ट हुई ये छाड़ी रही, चल बाबे नहीं तो वीडियो नहीं बनी मारी, अपना टाइम तक करना पड़ना, कल तो दोस्त हुए बा कैमरामैन भाई, ओए ये कुछ तो कुछ भूस ले लो बनाना तेरी वारी तो बिल्कुल वाका मार रही, बड़े विचित्र पुरुष बोने में हम भूल भी सकते हैं, हमें सही दिशा में चलना चाहिए, आपको देखना चाहिए रास्ता की साइड को जाते, वे किसे 9 नंबर चामड़े जूतो सहमेड़ो जूतो मेरे घर है परसों 8 नंबर, चल कोई बात नहीं इसमें चेक डालेंगे और ये पैर में आ जाएगा हमारे, तो आपको बोन में से जूता मिले तो आप इसको गले में लटकाइए कुछ इस तरीके से, तो इसे क्या होगा आपका वजन आगे किसे और रहेगा, तो पिछवा का धागा ना बोना, अगर पिछवा का धागा बहु तब 3-4 बदल भी बह सकता है, जागा भी चूट सकता है, तो ये ठीक रहेगा, तो चलते हैं आगे। हमें पता नहीं है कि हम कहां आ चुके हैं, कुछ नॉइज जगह है ही थी, वे क्या वे देखो ये हम तो रेगिस्तान में पहुंच गए, हरे भरे रेगिस्तान में, हम ऊपर पहाड़ों से आ रहे थे, ना जाने कैसे हम ऐसे हरे भरे रेगिस्तान में पहुंच गए, मैंने सुना था कैसे हरे भरे रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, ये देखो यहाँ तो पानी ही पानी है, लगता है यहाँ के फिटरमैन यहाँ पर तुरंत ही सप्लाई करते हैं, तो हर जगह हरियाली हरियाली है, ऐसे दूर दूर तक 5-10 से 10 जूते तक यहाँ से इतने ही दूर एरिया तक जाता है ये, तो हम अब यहाँ पर भड़क चुके हैं, यहाँ एरिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हम अपना निशान बना सकते हैं, यहाँ पर हम जैसे रमानी देखी है आपने, उसका वो तीर नहीं होता था, उसके जैसे हम यहाँ पर बनाएंगे इन पत्थर ग्लोतों से, इन कोई इकट्ठा करते पत्थर ग्लोतों को ऐसे, और कितने पत्थर, हाँ इत भी है, आगू पहले खड़ी डंडी करा
फिर फेटी भी लिया। ए बड़ो मारो रहा मार तीर। एक तीर के एक फायदा एड़ा है, जब भी है हम एतवा के जाना तो ये जानो एतवा का ये निशान का फर्क होता है। तुम नहीं समझे इस बात को, तो ये हम इस साइड को जाएंगे तो चलते हैं, अगर कोई पीछे से आएगा तो हमको देख लेगा। चलो दौड़ बाबू। हम ऐसे डॉग में चढ़ रहे थे तो अचानक हम कुछ नई जगह में पहुंच गए, लगते हम अब कुछ ठिकाने में है, चलते हैं। वो एक से लगता हमारी तरह यहाँ पर भी कोई मानु आया था, वो इस हट तो मेरा है मेरा। लगता हम फिर से घूम फिर के यहीं पर आ गए। अब क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है, तो अब हम इस हटे जाना। चलो दौड़ मत दौड़, नहरा भी चालू हुई तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं ऐसे खतरनाक भेड़ों में। चलो दौड़ो। पर चल मेरे साथ मेरे कैमरामैन भी है, इन्हें मेरे बहुत हमारे साथ देना रहा। कल उन्होंने साढ़ू आज तक मास आगी थी, मैं इनका बहुत ही बहुत आभारी रहूंगा। एडे कैमरामैन लोड़ी सब भी मिली, बड़ी टेंशन भी पड़ी है बड़ी भारी। घर से जाने जाने किया। चलो देखते हैं कुछ करते हैं हम। पहुंचा कोई? हेलो हेलो आई घर तो मैं वो जल्दी चले तेरी मारे फोर वायर गाड़ी। तेरी गाड़ी भागड़ तेरी गाड़ी लोट मैं कटे ना तो परुंद घूम दो ते के ले ले ते पुता आऊ तो को ले बाकी तो को भेजी मैं तो लेने लालू गया।